है ऑल वेलकम बैक दिस इज विनय सिंह फ्रॉम विश अकेडमी एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू बिकम अ जावा स्क्रिप्ट एक्सपर्ट ओके सो जावा स्क्रिप्ट एक्सपर्ट आपको क्यों बनना चाहिए ये सभी को पता है लेकिन कैसे बनना चाहिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पाथ डिफाइन करना तो इस वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट नाउ सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक लर्निंग पाथ या एक प्लान कि आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर आपको पहुँचना है जावाज में ओके सो यहाँ पर हम लर्निंग पाथ को तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं बिगिनर मोड इंटरमीडिएट मोड एंड एक्सपर्ट मोड ओके आपको लाइन बाय लाइन ये तीनों मोड फॉलो करना है सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर मोड की तो बिगिनर मोड में हम सपोज कर रहे हैं कि आपको जावास स्क्रिप्ट में अभी कुछ भी नहीं आता है एंड यू आर स्टार्टिंग विथ जावासक्रिप्ट ओके तो सबसे पहले आपको पढ़ना है दी बेसिक सिंटेक्सेस मतलब फंडामेंटल ऑफ जावास स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से शुरू करना है उसके बाद आपको लूप्स कंडीशन क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड जितने भी इन uh, फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं इन सभी पर कमांड करनी है ओके इसके बाद बेसिक सिंटेक्स पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है दी कोरजेस कोरजेस मतलब एक्मा स्क्रिप्ट के वर्जन सो जैसा कि आपने देखा होगा एक्मा स्क्रिप्ट वाले वीडियो में कि एकमा स्क्रिप्ट क्या है एकमा स्क्रिप्ट जो है वो जे का स्टैंडर्ड है मतलब जे जो है वो एक्मा स्क्रिप्ट पर बेस्ड है सो ऐसे केस में आपको ए एस फाइव ए एस सिक्स एंड ए एस सेवन में क्या क्या डिफरेंस है कौन कौन से सिंटेक्स हैं क्या लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जावा स्क्रिप्ट की ये पढ़ना होंगे ओके okay? तो so, इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको बेसिक पूरी तरह आ चुका होगा एंड आप एक फ्रेशर लेवल पर कोड कर पाएंगे तो इसके बाद आपको जरूरत होती है एक स्टाइल गाइड फॉलो करने की ओके स्टाइल गाइड क्या होता है स्टाइल गाइड मतलब जो भी कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसज एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपको सीखना होते हैं एंड फॉलो करना होते हैं तो ऐसे में आप एयर की जो स्टाइल गाइड होती है उसे सीख सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं ये वेल well डॉक्यूमेंटेड है इजी टू लर्न है एंड आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके बाद इन तीनों को सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ बेसिक गेम्स वगैरह डेवलप करने हैं लाइक जैसे कि हमने क्वाइंटॉस गेम बनाया था जे में आप वो ट्राई कर सकते हैं या फिर आप टिक टिक टॉप बना सकते हैं या कैलकुलेटर्स बना सकते हैं या कोई भी छोटी मोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं तो यहाँ आपको टारगेट करना है कि आप कम से कम दस बेसिक जावा स्क्रिप्ट रेडी करें ओके इसके बाद आप चलेंगे अगले मोड पर विच इज़ इंटरमीडिएट मोड सो इंटरमीडिएट मोड में आपको क्या लर्न करना होता है आप फंडामेंटल सीख चुके होते हैं और आपकी एक स्टाइल होती है कोड करने की आप कोर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लेकिन आप हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में कोर प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं आप उसमें लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं लाइब्रेरीज जावा के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप एस टी एम एल डोम्स को या एस टी एम एल नोट्स को मैन्यूपुलेट कर सकते हैं उसके डाटा को मैनुपुलेट कर सकते हैं लाइक like, किसी को हाइड करना है शो करना है डायनामिकली डाटा लोड करना है तो आप यहाँ पर लाइब्रेरीज का इजीली यूज़ कर सकते हैं बजाय स्क्रेच से कोड लिखने के इनके फंक्शंस ऑलरेडी बने होते हैं ओके okay? जो पॉपुलर लाइब्रेरीज़ हैं जावास्क्रिक्ट की वो है जेक्वेरी जो एनिमेशन के काम आती है इसी के साथ रिएक्ट डी थ्री डॉट जेस इसके बाद थ्री डॉट जेज ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं तो आप जेकवेरी से स्टार्ट कर सकते हैं इट इज़ इजी टू लर्न एंड आपको मजा आएगा सीखने में उसके बाद होते हैं फ्रेमवर्कस तो जब भी आपको एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनानी होती है या कोई भी एक जावर स्क्रिप्ट बेस्ड वेब एप्लीकेशन बनानी होती है तो आप स्क्रेच से कोड नहीं लिखते आप एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं फ्रेमवर्क एक प्री डिफाइंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होता है जिससे कुछ रूल्स होते हैं कुछ गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करते हुए आप क्विकली कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंगुलर व्यू जेस एम्बर जेस एक्सेट्रा बैकबोन जे भी है तो इनमें से कोई भी उठा सकते हैं एंगुलर अभी ट्रेंडिंग चल रहा है जे एस में तो यू कैन गो फॉर देट ओके okay. इसी के साथ आपको सीखना होता है टास्क रनर्स एंड मॉडल बंडलर्स तो टास्क रनर्स एंड मॉडल बंडलर्स क्या होते हैं टास्क रनर्स जो होते हैं वो आपके कंपाइलेशन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके कोड से रिलेटेड है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको सेट करना होता है टास्क रनर्स में वो क्राइटेरिया सेट करने के बाद ऑटोमेटिक टास्क रनर्स किसी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं ओके सो so, टास्क रनर्स जो है वो गल्फ है ग्रंथ है ये पॉपुलर टास्क रनर्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं इसके बाद है मॉडल बंडलर्स सो मॉडल बंडलर्स क्या होते हैं जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी जेएस फाइल होती है बहुत सारी सीएसएस फाइल होती है बहुत सारी इमेजेस होती हैं बहुत सारी एस सी एस एस फाइल हैं तो एस सी एस एस तो सी एस एस में कंपाइल हो जाती है ओके okay? अब सभी जे फाइल को मिलाकर मॉडल बंडलर एक जे फाइल बना देता है ऐसा ही वो सी एस केस में भी करता है ऐसा सभी फाइल्स के साथ करता है और उन सभी फाइल्स का एक बंडल बना देता है इससे आपकी जो एस रिक्वेस्ट है वो रिड्यूस होती है और आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस होती है वो फास्ट हो जाती है ओके जो पॉपुलर मॉडल बंडलर है वो है वेबपेक एंड पार्सल तो आप इन्हें सीख सकते हैं ओके सो इंटरमीडिएट मोड में आपको सीखना है जेकवेरी देन आप डी थ्री डॉट जे सीख सकते हैं देन फ्रेमवर्क आपको सीखना है लाइक एंगुलर एंड व्यू आप यहाँ पर उठा सकते हैं देन टास्क रनर्स में आप गल्प एंड ग्रंट एंड बैक पैक उठा सकते हैं ओके okay? देन हम आते हैं एक्सपर्ट मोड पर सो एक्सपर्ट मोड में सबसे पहले आपको सीखना होता है प्रोमिसज एंड कॉल बैक्स सो प्रोमिसज क्या होता है प्रोमिस का यूज हम करते हैं असिंकनसली ऑपरेशन हैंडल करने के लिए जब बिहाइंड द सीन हमको कोई डाटा अपडेट कराना होता है या सेंड कराना होता है या रिसीव करना होता है तो हम प्रोमिसज का यूज़ करते हैं इससे हमारी वेबसाइट की फ्रंट एंड परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके okay? जैसे डाटा अवेलेबल होता है वो अपडेट हो जाता है या सेंड हो जाता है वैसे कॉल बैक होते हैं कॉल बैक का मतलब होता है किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना तो जब एक फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर हम ऑन फंक्शन कॉल कर सकते हैं तो ये आपको सीखना होता है एक्सपर्ट मोड में इन पर आपको देन होता है ओप्स एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग सो आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का जो कोड होता है वो ऑप्टिमाइज करना होता है मतलब आपको कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल्स बनाने होते हैं आपको कोड रीयूजेबल बनाना होता है ताकि आप एक कोड को दोबारा अलग अलग मॉड्यूल्स में यूज़ कर पाओ तो आप यहाँ पर ओप्स एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीखते हैं ओके फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल एंड फ़ंक्शंस पे ज़्यादा जोर देते हैं उनके बेस पर हम एप्लीकेशन बनाते हैं जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के थ्रू एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो जब आप एक एक्सपर्ट मोड पे जाते हैं तो आप जनरली ओप्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं ताकि कोड ज़्यादा से ज़्यादा रियूजेबल हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस बनाते हैं ओके नेक्स्ट होता है एरर हैंडलिंग एंड डिबकिंग आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना उसमें हमेशा कोई ना कोई एरर होगी आप कितने एक्सपर्ट हो जाए आपको हमेशा एरर फेस करनी होगी तो एरर हैंडल करना और आपके कोड को डिबक करना लाइक like फटाफट ट्रैक करना कि कहाँ से एरर आ रही है और किस तरह सॉल्व की जाती है ये भी एक एक्सपर्ट कर सकता है ओके okay? सो so, यहाँ पर भी आपको एक्सपर्ट बनना होता है तो यहाँ पर आपको एरर हैंडलिंग एंड डेबिंग के टूल्स सीखना होते हैं आपके ब्राउज़र के डेव टूल्स पे एक्सपर्टाइज करना होती है और एरर हैंडलिंग एंड डिबिंग में मास्टर करना होता है ओके okay? सो so, इस तरह से आप जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है उससे हटकर एक एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं और आप उसके बाद कोड देखते ही समझने लगेंगे कि कहाँ पर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ओके इसके बाद एक बोनस मोड है वो है फुल स्टैक मोड अगर आप फ्रंट एंड के बाद कुछ और भी सीखना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके तो आप फुल स्टैक मोड पे स्विच कर सकते हैं यहाँ पर आपको सर्वर साइड जे सीखनी होती है जैसे कि नोट जे ओके अभी डेनो भी आ चुकी है तो आप सर्वर साइड जे सीख करके जे के थ्रू सर्वर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और जब आप सर्वर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको कोई ना कोई डाटा भी आना चाहिए तो ऐसे केस में आप डाटा एंड क्लाउड टूल्स सीख सकते हैं तो यहाँ पर आप मोंगो पर जा सकते हैं ए के डाटा को सीख सकते हैं या फायर या अदर क्लाउड टूल पर आप लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं ओके सो so, ये पूरी एक जर्नी होती है तो फुल स्टेक की बात हम नहीं करते अगर आपको एक्सपर्ट मोड तक आना है तो मेरे ख्याल से आपको एक छः महीने का टारगेट लेना चाहिए सिक्स मंथ टारगेट में आप एक जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं ओके तो so, यहाँ पर हम जो भी बताया उनकी एक लिस्ट बना लीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप इस लर्निंग पाथ को फॉलो करना शुरू कीजिए सो so, कैसा लगा ये वीडियो डोंट फॉर्गे टू टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स डोंट फोगे टू हिट लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल See you in the next video guys, till then, happy coding!